हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। तो ये खड़ा है अपना बीस्ट। और उससे पहले भाई, आप सबके लिए एक शायद तक गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जो व्लॉग मैं चाह रहा हूँ वो व्लॉग जल्दी आने वाला है। और इस बार अभी हमने डिसाइड किया है कि हमारी स्टॉक का जो उसको वापस एक्रा पॉकेट में बदलना चाहिए, एनएच बदलना चाहिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एनएस को वापस से एक बार रॉ पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मिलनी चाहिए। बेसिकली बस अभी एक ही सवाल करते हैं अपन, सीधा बोलते हैं, अगर इस वीडियो पे भाई आपके, मैं एक एम रखता हूँ, अगर 25 या 20 कुछ कमेंट आते हैं तो हम कुछ भी करके इसमें वापस से लगवाएंगे एक्रा पॉविक एग्जॉस्ट और वापस हमारी एनएस को देंगे इस बार वापस से रॉ पावर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एग्जॉस्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए बाइक के अंदर। जैसे कुछ ये है अभी अपनी बाइक, जो कि कुछ अभी ऐसी लग रही है। और कसम से बता रहा हूँ, मुझे भी इतना बुरा फील हो रहा है कि मैं अपनी बाइक के अंदर का जो फील था वो नहीं ले पा रहा हूँ। और अभी मेरे को मेरे बाइक में क्या लग रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा हूँ, जो कि भाई मुझे बहुत गंदा लग रहा है। और आपको भी लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि जब एक बाइकर के पास उसका एग्जॉस्ट हटा दिया जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट चाहिए तो 20 तो करने ही करने पड़ेंगे आपको कमेंट, ताकि मैं घर वालों से एक बार लड़के इसमें एग्जॉस्ट लगा सकूं। बाकी आज मैं आपको दिखाता हूं एक अच्छी सी व्हीली, ट्राई करता हूं, वो व्हीली काफ़ी बढ़िया करने की। बाकी देखो व्हीली कैसी होने वाली है, और 20+ भाई कुछ कमेंट होने चाहिए ताकि हम अपनी बाइक के अंदर लगा सकें वापस से एक्रा पॉविक एग्जॉस्ट। और ये अभी कुछ अपनी एनएस का लुक है, और पीछे आ रहा है एक बड़ा सा ट्रक, तो हमें शायद तक अपनी बाइक हटानी पड़ेगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बस व्हीली पे। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी उम्मीद करते हैं आपको व्हीली अच्छी लगी होगी, और काफी बढ़िया व्हीली भी थी। बिकॉज अभी क्या है, इसका व्हीली प्रॉपर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसका आगे का शॉकर सील खराब हो चुका है, और वो चेंज कराने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है। बाकी ये बड़ा बहुत ख़तरनाक नुकसान हो रखा है अभी अपनी बाइक के अंदर, ये चेक कर लो, पूरा शॉकर सील जा चुका है। और उसके बावजूद मैं भाई व्हीली वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, जो कि बहुत गलत है, मेरे को भी मालूम है। बट अब कुछ नहीं, थोड़े दिन बाद में इसकी सर्विस होने वाली है, जैसे ही थोड़ा टाइम और हो जाएगा उसके बाद मैं सर्विस करवा दूँगा। तो अभी यहाँ से मिलता है आपको सीधा सड़क पर, और शायद तक अब आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, अगर इसके अंदर एक्रा पॉविक एग्जॉस्ट चाहिए, हमारी एनएस को वापस से एक रो पावर चाहिए, तो अब आपको करने हैं 20 कमेंट्स। तो मैं घर वालों से जितना भी होगा भाई कहूँगा कि मेरे को वापस लगवाना है एग्जॉस्ट। बस अब आपको मिलते हैं अपन सीधा स्ट्रीट पे। तो फाइनली अभी भाई लोग अपन आ चुके हैं स्ट्रीट पे, और ये ट्रैफिक बहुत सही है, बस ये पानी बड़ा खराब था। और आज का व्लॉग में हम भाई सोच रहे हैं थोड़ा लंबा गेड़ी मारने के लिए, क्योंकि घर से मैं ऑलमोस्ट बहुत जल्दी निकला हूँ। और भाई जैसे कि मैंने बोला है, मेरे बाइक के अंदर का आपको साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेन चीज़ क्या है, जो कि इसकी फिटिंग इस बार वापस से करवाई है स्टॉक एग्जॉस्ट की, वो काफ़ी सही है, स्टॉक मतलब कि फिटिंग काफ़ी सही कर रखी है उन्होंने, और एकदम से भाई मक्खन की तरह गाड़ी निकल रही है, वो बात तो है। बट हमें चाहिए हमारी बाइक के अंदर का साउंड, तो अगर साउंड चाहिए तो भाई इसके लिए अंदर इसका लगाना पड़ेगा एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट लगाने से पहले घर वालों की लेनी पड़ेगी परमिशन, और ये परमिशन लेने के लिए उस पर आपका भाई बहुत सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई मैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, घर वालों के लिए इतना मतलब बोल लूँ कि भाई मेरे लिए भाई वापस मेरे को बाइक के अंदर एग्जॉस्ट लगाना है, और उससे भाई पब्लिक में बड़ी परेशानी होती है लोगों को। काफ़ी जने तो भाई मेरे से बार बार बोलते भी हैं कि भाई तू थोड़ा आवाज़ कम करके चला कर, लेकिन फिर भी आपके भाई ने भाई आपके लिए जब एग्जॉस्ट लगवाया था, जब भी घर वालों से बहुत डांट खाई थी, और वापस लगवाने के लिए भी अगर थोड़ी बहुत खानी पड़ेगी तो मैं खा लूँगा, बट उसके लिए आपको सबसे पहले कोई कमेंट करने पड़ेंगे। मैं 25 या 20 कमेंट्स का एम दे रहा हूँ, ज़्यादा कमेंट नहीं है, मुझे मालूम है आप ये कर भी दोगे, लेकिन जल्दी करना पड़ेगा आपको। इसी ब्लॉग के अंदर आपको 20 कमेंट्स करने पड़ेंगे, ताकि मैं घर वालों से बोल सकूँ कि हाँ भाई मेरे को एग्जॉस्ट वापस लगाना है। हमारे भाई यूट्यूब परिवार को नहीं पसंद लग रहा भाई स्टॉक एग्जॉस्ट, आ चुके कुछ ऐसी जगह पर, और यहाँ पर भाई ख़तरनाक रहता ट्रैफिक, आपको मालूम ही है, जो भाई मेरे डेली वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उनको मालूम है। और ऊपर से भाई एक बात और बता दूँ, अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है भाई, वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग पता नहीं यार वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे, मुझे कुछ मालूम नहीं है, लाइक कमेंट कुछ भी करो या नहीं कर रहे हो कुछ मालूम नहीं चल रहा है।
बट वीडियो के अंदर भाई कसम से बता रहा हूँ कोई व्यू नहीं आ रहे हैं ना भाई, मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट दिख रहा है आपका। भाई आपके लिए इतना प्यारा कंटेंट लेके आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी राइड करते हैं आप सबके लिए, लेकिन आप भाई इतना भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो भाई। तो भाई आपसे भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि भाई आपको मालूम है सपोर्ट के बिना कोई कहीं नहीं चल सकता। तो आपका सपोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप सपोर्ट करोगे तो घर वालों से भाई किसी ना किसी चीज़ के लिए मैं बात कर सकता हूँ, बिना सपोर्ट के तो नहीं कर पाऊँगा। तो भाई अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ आगे आने वाले वाला ख़तरनाक ट्रैफिक ये देखो। बाकी अभी हमें ऐसा लग रहा है हमारा आरपीएम की दिक्कत है जो एकदम से सही हो चुकी है और ऑटोमेटिकली सही हुआ है। मैंने इसमें भाई कोई सर्विस वगैरह नहीं करवाई अभी तक बाइक की, और मैं बाइक को ऑलमोस्ट अभी भाई 350 किलोमीटर और चला चुका हूँ, जबकि मुझे 66,000 पर अपनी बाइक की सर्विस करवा देनी चाहिए थी। पर मैं सोचा हूँ भाई थोड़ा और चला देते हैं, क्या दिक्कत है, बट ऐसा चलता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा। बाकी आज हम जाने वाले हैं ब्रिज के नीचे से और आपको भी खाऊ मजा आने वाले हैं भाई इस ब्लॉग में, क्योंकि आज भाई स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर देखते हैं पावर कितना आता है। और एक दो दिन बाद में भाई आपके कमेंट आ जाएंगे मुझे मालूम है, तो वापस से भाई आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में हमारी बाइक का क्या एवरेज रहता है। वैसे तो भाई मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर भी देख रखा है, एवरेज भाई काफ़ी सही निकाली है भाई, 35-30 का कुछ एवरेज निकाली है मैंने रिसेंटली, इसका चेक किया था काफ़ी अच्छा एवरेज आ रहा है। अरे चचा एक मिनट रुक जाओ। ओ तो अभी हम यहाँ से भाई थोड़ा अच्छी सड़क पर बात करेंगे, क्योंकि ये सड़क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जैसा कि मेरे सभी भाइयों को मालूम है। तो वॉइस एक अच्छी सी सड़क पे आपको मिलते हैं और वहाँ से हम आपको एक बार वापस से अपनी एनएस का फुल थ्रॉटल दिखाते हैं। अरे भाई हमें दिखाया हमारा लव ड्रीम कह सकते हो भाई, एक टाइम पे ये भी अपना बहुत प्यारा प्यार था और काफ़ी जनों का प्यार है भाई, ऐसी बात नहीं है। तो अभी हमें दिख रहा है भाई सामने की तरफ ये देख रहे हो RS 200, वो भी रेड कलर में, आई थिंक मेरे को न्यू मॉडल लग रहा है और काफ़ी सही लग रही है दिखने में भी, एकदम लाल मक्खन की तरह भाई लाल लाल। तो एक बार इस बाइक का ओवरऑल लुक दिखाते हैं। बाकी भाई मनीष भाई का तो बहुत फेवरेट बाइक है ये RS, जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, बट हमारी किस्मत में भाई NS थी तो हमने NS को चूज़ किया अपनी किस्मत बदलने के लिए। बाकी भाई RS में कोई कमी नहीं है, RS भी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक लगती है मेरे को। और इसकी लुकिंग की बात करें तो भाई क्या प्यारा लुक आता है भाई, चेक कर लो, मतलब भाई ने क्या बढ़िया रखी है गाड़ी को भाई, एक नंबर। और जबकि ऐसी बाइक हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन फिर भी हम इनकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि भाई ड्राइव बाइकर हमेशा बाइक की तारीफ ही करेगा भाई, कभी बुरा ही नहीं करता किसी बाइक की, वो भाई अपना अपना डिसीजन है। कभी अगर किसी बाइक के ऊपर आपको भाई कुछ अगर आपको कमेंट वगैरह करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई बिना देखे शायद रोड को क्रॉस कर रहा था, बट अभी हम आ चुके हैं भाई बहुत प्यारे हाईवे के नीचे। और ये ब्रिज तो भाई सबको मालूम होगा क्या खतरनाक ब्रिज रहता है, बहुत प्यारा ब्रिज है। अब मेरे पीछे चलने वालों के तो भाई कीचड़ से हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि मेरे पीछे भाई मरगाट लगा नहीं रखा है, तो जो भी पीछे चलेगा उसको उसकी भाई गलती भाई उसकी है, मेरे पीछे चलोगे तो भाई मैं कसम से बता देता हूँ मेरी बाइक के अंदर पीछे नहीं लगा रखा मैंने मरगाट, तो इससे जो भी तकलीफ वगैरह होती है वही उसके जिम्मेदार आप खुद हो, या तो मेरी बाइक के पीछे मत चलो ठीक है। और हम नहीं चाहते कि हमारी बाइक के अंदर हम वापस लगाएं मरगाट, क्योंकि बाइक ही तो गंदी हो रही है भाई और क्या है। क्या बोलते भाई लोग, अभी देखो 110 चला रहा हूँ, मतलब कि 110 प्लस चला रहा हूँ, 110 प्लस चला रहा हूँ, लेकिन बाइक भाग रही है नहीं भाग रही कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई जब तक बाइक भागे नहीं गई तो समझ में बिल्कुल नहीं आता है। बाकी भाई पिकअप तो काफ़ी सही है और व्हीलीज के अंदर तो अभी बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट में व्हीली बहुत अच्छी उड़ रही है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी भाई। कहीं कहीं पे फ़ायदे हैं स्टॉक एग्जॉस्ट के, कहीं कहीं पे भाई फ़ायदे नहीं हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि भाई बाइक के अंदर जब तक एग्जॉस्ट ना लग रहे तो भाई मार्केट में लगता नहीं है कि कोई 200 cc का बाइक चल रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कोई CD 100 वगैरह बाइक नहीं चलती उनकी तरह लगता है। अच्छा अभी 90 प्लस चला रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा 90 प्लस चल रही है मेरी बाइक, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर भाई बाइक के अंदर बहुत ज़्यादा पिकअप वगैरह नहीं मिलता है, जो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के अंदर आपको मिल जाता है। ओह भाई सड़क के बीच में से गाड़ी घुमाया जा रहा है,
अभी चुच्चा फ्लैट हो जाते हैं उनके साथ में। ये क्या बात करते हैं यार। तो अभी हम जा रहे हैं पावटा ब्रिज के ऊपर से। मैं 120 चला रहा हूँ ब्रिज पे, देख रहा हूँ मतलब ट्रैफिक पुलिस बहुत शांति से खड़े रहते हैं भाई, बहुत शांति से। पता नहीं कब किसकी पप्पी ले लें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई मेरा मानना है भाई, मेरा पप्पी का मतलब वो पप्पी नहीं है, मतलब वो चालान वाली पप्पी है। कब किसकी अच्छी खासी पप्पी ले लें चालान की। ओ चेक करो भाई, भाई 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 चलो आज ऊपर से जाते हैं। अंकल सड़क पार करते समय देखा करते हैं। अगर इतना अगर मेरी बाइक के अंदर साउंड होता ना जो बीच में आ रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक पहले ही हट जाते हैं, पर अब क्या कर सकते हैं भाई, अबे हमें घुमा के जाने पड़ रही है और रिएक्शन तो भाई घंटा नहीं मिल रहा, इतना गुस्सा आ रहा है ना। मेन चीज़ क्या है, रिएक्शन। एकदम बाइक देखो पानी की तरह खींच रही है, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं कोई बाइक खींच रहा हूँ। अरे चचा उधर जाके थोड़ा खींचो ना गाड़ी को। हाय हाय थार, भाई पूरा थ्रॉटल अप कर रहा हूँ और आरपीएम में भी काफी सही जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आरपीएम हाई नहीं हो रहा। भाई 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 बहुत गलत टाइम पे, बच्चा बहुत सही देख रहा है, पब्लिक भी ठीक ठाक देख रही है, ऐसी बात नहीं भाई। भाई अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस स्प्लेंडर की आवाज़ अच्छी खासी आ रही है मेरे सामने। आएगी क्यों नहीं भाई, स्प्लेंडर के अंदर का भाई खतरनाक वाला साउंड है। क्या बोलते हो, निकाल दूं? निकाल तो देता भाई। भाई वो पिकअप नहीं मिल रहा भाई, खुद पे भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई निकाल सकता हूँ बाइक को। तीन जने इनका चालान काटने के लिए कहाँ जाती है पुलिस, मेरे को ये समझ नहीं आता। ये क्या चीज़ है भाई, पूरा रास्ता ही बंद कर रखा है। बस हमारी सरकार यही चीज़ों के लिए तो फेमस है, अच्छे खासे बने बने हुए कामों को खराब करने के लिए। वो चेक कर रहा, अब ये बस वाले जहाँ मर्जी वहाँ रोक देते हैं। वॉच ऑफ व्यू भाई, बताओ स्कूटी वाला चचा किसको देख रहे हैं पीछे। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए भाई अपने ऑफिस रूट पे और यहाँ से कुछ थोड़ी दूर अंदर चल रहा है हमारा ऑफिस के अंदर के पास का काम। और इधर आज इतना ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि जो मेन वाली सड़क है वो भाई ब्लॉक कर रखी है, खड्डे वड्डे हो रखे हैं उधर। तो
ये चीज़ें बड़ी है भाई। अब देखो मार्केट मंडी में अंदर इतना खतरनाक ट्रैफिक लगा रखा है लोगों भाई, देख देख के दिमाग खराब हो जाए। बाकी भाई उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको बढ़िया लगा होगा। अगर व्लॉग बढ़िया लगे तो भाई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड भाई मैं आपसे वन मोर टाइम और बोलूँगा कि भाई हो सके जितना भाई 20+ कमेंट करने पड़ेंगे ताकि हम अपने NS को वापस से ग्रो पावर दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट बॉयज़।